हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम प्रकाश है एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। एज अ कार परचेजर मैं आपको MG Aster के बारे में वो बातें बता सकता हूँ जो एक प्रोफेशनल कार रिव्यूअर नहीं बता सकता है, क्योंकि उनको हार्डली 2 से 3 घंटे कार मिलती है और मेरे पास ये कार काफ़ी दिनों से है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं आपको इस कार के 5 likes and 5 dislikes बताऊँ। सबसे अच्छी चीज़ मुझे MG Aster की लगती है वो है इसका ओवरऑल फ्रंट लुक। ये काफ़ी अच्छे से वेल मैनेज्ड है और इसको देख के काफ़ी अच्छा और फ्रेश फील होता है। इवन जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड आई रियली लाइक इट। इसके अलावा इस कार में जो फीचर्स दे रखे हैं, जैसे कि आप इसमें व्हीकल सेटिंग्स में जाके काफ़ी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉलो मी होम फंक्शन हो गया, TPMS हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग अर्बन में हल्का हो जाता है, डायनेमिक में भारी हो जाता है, फिर इनके आप सारी सेटिंग्स को काफ़ी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। सो ये दोनों चीज़ें इस कार की बहुत ही अमेजिंग है। गाइस जो सेकेंड चीज़ मुझे बहुत पसंद है इस कार की वो है इसकी जो सीट की क्वालिटी है और जो ये आपका इतना बड़ा पैरानोमिक सनरूफ है, ये दोनों चीज़ें इस गाड़ी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर ऐड करती है। सो नेक्स्ट गुड पार्ट है इस कार की वो है इसका इंजन। इसका इंजन बहुत ही अच्छा है और इसमें बहुत ज़्यादा पंच है एंड यू विल रियली लव ड्राइविंग दिस कार। ये बहुत ही अच्छा एक्सेलरेशन देता है और इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है। और गाइज इसका जो ऑटोनॉमस लेवल 2 सिस्टम है ये काफ़ी अच्छा है, जो इसका एडास है वो काफ़ी यूजफुल है और मुझे ये नहीं लगा कि इससे एक छोटा वाला वर्जन लेना चाहिए था। आई रियली फील कि जो 70,000 मैंने पे किया है एक्स्ट्रा, इट्स वर्थ इट एंड आई एम रियली एंजॉइंग दिस ऑटोनॉमस लेवल 2 विद एडास फंक्शन। अब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे इसमें कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो मुझे एकदम पसंद नहीं है। तो इस कार में आगे की ओर तो 2 लाइट्स दे रखी हैं, बट अगर आप पीछे की ओर जाएंगे तो आपको एक भी कार में लाइट नहीं मिली हुई है एंड इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन दिस कार। आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें अगर पीछे की ओर बैठ के कुछ काम करना होता है तो हमारे पास लाइट ही नहीं होगी तो हम कैसे बैठ के काम करेंगे। इवन अ कार वे लेसर दैन द वैल्यू ऑफ दिस कार हैज़ दिस फीचर, तो आई थिंक ये चीज़ होनी चाहिए थी। अब नहीं है तो उसमें कोई एक्सेसरी आनी चाहिए जिसमें कि आप इसमें इंस्टॉल कर दें और पीछे की ओर लाइटिंग को बढ़ा पाएँ। आप अपने कार के स्टेयरिंग को ऊपर नीचे तो कर सकते हैं बट इसको आगे नहीं कर सकते। इट शुड हैव अ टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल फीचर होता है। इसका जो सीट बेल्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है। 20 लाख रुपए की गाड़ी में हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ एडजस्टेबल आए। जो थर्ड चीज़ है मुझे इस कार में पसंद नहीं है वो है इसकी जो कैमरे की क्वालिटी है वो काफ़ी चीप है और इट डजेंट लुक गुड। तो आई थिंक देयर शुड बी समथिंग जिसमें कि आप अपग्रेड कर सकते हैं इसके कैमरे की क्वालिटी को, और उससे क्या होगा कि जब आप गाड़ी बैक करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर व्यू दिखेगा। दो आई लव द फैक्ट कि इस कार में 60-40 रेशियो में इसकी सीट्स टिल्ट हो जाती हैं, बट एक बिगर प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इनकी सीट है अगर आप इसको डाउन करेंगे तो ये केवल हाफ होती हैं, ये कम्प्लीटली फ्लैट नहीं होती हैं। और क्योंकि मैं अपनी कार में साइकिल ले जाता हूँ तो आई फील कि ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए, अगर वो सीधी होती है तभी मुझे इजी पड़ता है अपनी साइकिल रखना। दिस इज़ समथिंग विच शुड हैव बीन देयर, ये पूरा अगर फ्लैट हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता। लव द लुक ऑफ दिस कार, ये आगे से बहुत ही प्यारी दिखती है और इसका जो क्रॉस ओवरिश लुक है वो मुझे इस कार से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मुझे लगता है कि ऐसे ही लुक की कार मेरे लिए परफेक्ट थी एंड आई रियली लव दिस फैक्ट अबाउट दिस कार। These were the few likes and dislikes about this car. आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो दिमाग में do let me know in the comments below. I will reply to you positively. Have a great day and enjoy your life. और अगर वीडियो अच्छा लगा तो do like and subscribe to my channel.